करेंगे अगर आपको सिंगल आना है तो इसलिए वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर पे बोट रिटर्न आती रहती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे कैसे भी 10-11 बजे तक पहुँचना है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा आधा एक घंटा वहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो कैफ़े था, रात को ये कैफ़े चालू रहता है पूरा, करीब 12-1 बजे तक चालू था ये। और चलिए मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर दे देता हूँ। ये कुछ तीन फ्लोर का है शायद, और इसमें मिक्स डोरमेट्री है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये वॉशरूम रहता है। यहाँ पे इस तरह से आप पर्दा मार के आराम से नहा सकते हैं, लॉक दरवाजे में नहीं है। और जो वॉशरूम है इसका टॉयलेट वहाँ पे लॉक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इस तरह का कुछ डॉर्मेट्री रूम रहता है इस तरह का। और यहाँ पे भी आपको लॉकर वगैरह के भी मिलती है जगह। और ये जो आपका बेड है, बेड के नीचे भी आपको इस तरह से लॉकर मिल जाता है। अगर आपके पास लॉक रहेगा तो आप उसमें रख के मार सकते हैं। और ये एक में, ये मैडम जर्मनी से हैं। कैन यू से हेलो? व्हाट योर नेम? क्रीटा, नाइस टू मीट यू। सो अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलना है, आज फ्राइडे भी है तो जुमा की नमाज़ यहीं पे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आगे एक मस्जिद थी, तो चलिए जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ और फिर आगे क्या सीन है फिर देखते हैं। मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला और ये भाई मिल गए, भाई मेहमान से हैं, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया, तो यहाँ तक का मेरा किराया बच गया। और इनका यहीं पे दुकान है, तो ये भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आगे तक छोड़ने आए हैं। और यहाँ से अभी मैं जाऊँगा रायली बीच, तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। थैंक यू। चैनल चेक कर लेना, राहुल जी का मिला है फोन, टेक व्लॉगर से आपका भी आएगा। आप तो ना आप सब करिए, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू। Go in back. 124. Oh, ये दो टिकट है इसका। सो गाइस, 200 बात का पड़ा है जाने का और आने का रायली बीच पे। और कोशिश करता हूँ मैं वहाँ से तो अभी यहाँ पे वेट करना है। देखते हैं यहाँ पे सब बोट लगी है, और अभी थोड़ी देर के बाद जब मुझे लगता है 10-15 लोग हो जाएंगे तब ये यहाँ से भेजेंगे। तो चलिए फिर जब बोट में बैठते हैं तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से क्या सिस्टम है और कितना टाइम लगता है जाने में। सो गाइस, अभी जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए रायली बीच के लिए। यहाँ से लगभग 15-20 मिनट लगना चाहिए, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये लेके जा रहे हैं भाई।
starts the knee feeling. So अभी port के अंदर आ गए हैं. Guys, अभी बोट में आ गए हैं. अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है. इसमें लगभग रिटर्न आने के लिए कम से कम 6 लोगों को चाहिए. उससे कम अगर आप हैं, अगर आपको सिंगल आना है तो लगभग 600 भात ये चार्ज करेंगे अगर आपको सिंगल आना है तो. इसलिए वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर पे बोट रिटर्न आती रहती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मुझे कैसे भी 10-11 बजे तक पहुँचना है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा आधा एक घंटा वहाँ पे घूम के टाइम पास करके उसके बाद मुझे रिटर्न आना है. तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है. दोस्तों अभी हम रायली बीच पे पहुंच गए हैं और देख सकते हैं आप, ये छोटी सी बीच है, थोड़ी सी आइलैंड से हटके है, मतलब लैंड में ही है, एकदम आइलैंड साइड नहीं है ये. लेकिन यहाँ पे आने का बाय रोड कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोट से आना पड़ता है. ये जो आप सामने पहाड़ी आपको दिख रही है, उसके पीछे जो पहाड़ी है इस तरफ, वहाँ से हम आए हैं इधर से घूम के. और चलिए देखते हैं. ये देखिए इस तरह से कुछ बोट यहाँ पे लगी रहती है थाईलैंड फ्लैग के साथ, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में. ये देखिए और ये मछली देख सकते हैं आप, छोटी छोटी मछली बहुत सारी. और रायली बीच पे पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगा हमको. 15 मिनट में हम पहुंच गए, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है. ये इस तरह की कुछ बीच है. अभी तो यहाँ पे भी कोई ऐसा क्राउड नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं. तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी कहीं रुकता हूँ मैं, ये साइड में चलते हैं. सो गाइस, जब आप रायली बीच पे आ जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर सब प्राइवेट रेस्टोरेंट है. लेकिन जहाँ पे बोट का टिकट काउंटर है, ये आप देख सकते हैं जो सामने दिख रहा है गली, तो आपको यहाँ से आने के लिए रास्ता है दूसरी तरफ जाने के लिए ईस्ट में. तो यहाँ से मैं अंदर से जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से सारे प्राइवेट रिसोर्ट हैं, तो वहाँ से कोई रास्ता नहीं है. तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रायली बीच क्रैबी, और यहाँ से पीछे से रास्ता है. तो इस रास्ते से चल के देखते हैं ये रास्ता पीछे किधर जाता है. पीछे साइड भी आई थिंक बीच है,
क्योंकि ये बहुत छोटा सा ही एरिया है, तो उस तरफ भी बीच होगी। चलिए वहाँ पे भी देख लेते हैं। कदा लुक दिस नेक्स्ट टू डायमंड वॉल रॉकिंग क्लाइंबिंग। आह नो, इट्स रॉक क्लाइंबिंग ओनली, इट्स अ सोसाइटी केव। You look I'm going cave. To the cave, so I yeah, think Diamond we are cave. Here and we okay, yeah, yeah, in yeah, a few yeah. minutes we will arrive yeah, at the beach. Yeah, yeah, okay, yeah. This yeah. one is just an organ. So guys, दूसरी तरफ मैं गया था पीछे, तो उस तरफ मुझे कुछ खास नहीं दिखा, सिर्फ जो आइलैंड वगैरह पे जाते हैं वहाँ से, क्योंकि सब वहाँ पे पीछे प्राइवेट रिसोर्ट है और आइलैंड वगैरह पे जो जाते हैं उसके लिए वहाँ से बोट लगी थी, और वहाँ पे बीच नहीं है, थोड़ा ऐसा कीचड़ टाइप का है वहाँ पे, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है वहाँ पे जाके, इसलिए मैं वहाँ से रिटर्न हो गया। और अभी चलते हैं वापस से बोट की तरफ, देखते हैं बोट मिलती है तो फिर बोट में बैठ के वापस से निकल लेंगे। ये रास्ता है रिसोर्ट का, थोड़ा शॉर्टकट है ये, और पिछली बार उधर से मुझे घूम के आना पड़ा था, अभी मैं यहीं से शॉर्टकट मार लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं फिर से रायली बीच पर आ गया हूँ, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे हम बोट से उतरे थे वहीं पे वापस से आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रायली बीच कैफ़े लिखा है, इसके बीच में जो रास्ता गया है वहाँ से आप जा सकते हैं, उसके आगे सब प्राइवेट रिसोर्ट हैं, तो आपको वहाँ से हो सकता है जाने ना दे। और यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, जब आप वहाँ से आने जाने का टिकट बाय करते 200 भात लेते हैं अभी वो, और इसका आप देख सकते हैं दो टिकट आपको देंगे, तो एक वहाँ पर ले लेंगे और एक आपको अपने पास रखना है, दूसरा वाला आपको यहाँ पर काम आएगा, तो यहाँ पर आपको देना है। और फिर उसके बाद इस तरह से बोट लगी है, तो जिसमें 6-7 आदमी 10 आदमी हो जाएंगे तो फिर उसको वो यहाँ से वापस भेज देंगे। और सिंगल का मैंने पूछा था कि अगर आना रहे इमरजेंसी में कि नहीं आना ही है, तो फिर तो उसका बोले कि 600 भात लेंगे, आप अपने हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, जाना पड़ जाए तो, अदरवाइज़ 100-100 भात आने जाने का है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। Onang Beach. Wait. Okay. तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम दो लोग हुए हैं, एक भाई साहब बैठे हैं पहले से, और देखते हैं अभी 5-6 लोग हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से लेके जाएंगे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलते हैं अभी फिर से ओनांग बीच और देखते हैं क्या सीन है वहाँ का अभी, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं आया था तो वहाँ पे क्राउड नहीं था बिल्कुल भी, लगभग 8:30-8:30 बज रहे थे, और अभी चल के देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे। तो गाइस आपने रायली बीच देख लिया, यहाँ पे भी कुछ करने को है नहीं या कोई एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिसोर्ट और कैफ़े वगैरह हैं और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरी रायली बीच मैंने आपको दिखा दिया, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी रायली बीच है, तो यहाँ पर कुछ भी है नहीं। और अगर आप सिर्फ विज़िट के लिए आना चाहते हैं, देखने के लिए, तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आके कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्राउड तो उस बीच पे ही रहता है, ओनांग बीच पे ज़्यादा क्राउड रहता है, तो आप ये बीच चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है साउथ थाईलैंड आने का, पीपी आइलैंड, फुकेट आइलैंड, जो भी आइलैंड है आप वहाँ पर जाएँ, कम से कम 3-4 दिन आपकी ट्रिप होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अच्छे से कवर कर पाएंगे, बाकी एक एक बीच ऐसे आके मतलब नहीं है। मैं फुकेट और फीफी और 2-4 आइलैंड और भी जो वो मैं जा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी कल की फ़्लाइट है और मुझे आइडिया नहीं था उतना आइलैंड्स के बारे में कि ज़्यादा वक्त लगेगा, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे एक दिन का ही स्टे था, तो इसलिए अगर आप आएँ तो साउथ थाईलैंड को कम से कम 3-4 दिन के लिए यहाँ पर कवर करें, और जो भी आइलैंड वगैरह है पैकेज भी मिलते हैं, आप अपने हिसाब से बात कर लें, थोड़ा कम करवा लें तो आपको काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा। बच्चा बहुत रो रहा है। अफ्टरनून गाइस, सो अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे मस्जिद है, ये इस मस्जिद का आप यहाँ पे नाम भी देख लीजिए, मस्जिद ओनांग अल
मुनव्वरा इस मस्जिद का नाम है, और अभी हमको चलना है इस तरफ। अभी यहाँ से मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, या तो सूरत थानी मुझे जाना है, या तो एक बैनसोंग करके स्टेशन है वहाँ पे जाना है। बैनसोंग थोड़ा नज़दीक है, लगभग 100 किलोमीटर है, 100-110, और सूरत थानी तो काफ़ी दूर है, 160-170 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी देखते हैं कहाँ के लिए बस मिलती है, यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, यहाँ से पहले जाना पड़ेगा मुझे सूरत, यहाँ से क्रेबी टाउन या क्रेबी का जो बस टर्मिनल है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आई थिंक मुझे मिलेगी। तो देखते हैं और चलते हैं। ये सीधा आवनांग बीच की तरफ रोड जाता है, आपने मेरे पिछले रात वाले वीडियो में देखा होगा। चल के फिर मैं आप लोगों को और भी सारी डिटेल देता हूँ।